हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको गोभी के पराठे बनाना बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने गोभी ले ली है और इसको हमने एकदम बारीक कद्दूकस कर लिया है। हमने ये देखिए, हमने इस वाले कद्दूकस से कद्दूकस किया है, इससे नहीं किया क्योंकि इससे जो है ज़्यादा बारीक हो जाता, इसलिए उसमें से पानी निकलने लगती है, इसलिए हमने बड़े वाले से किया है। और अब हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे, उसके बाद मिर्ची डालेंगे, और लहसुन, और इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा, और इसमें गरम मसाले भी डालेंगे। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारा अब तैयार हो गया है। बस इसमें नमक डालना है स्वाद अनुसार, आप लोग अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं इसमें। हम इसमें नमक बाद में डालेंगे, उससे पहले हम आटे को देख लेते हैं। अपना आटा हम तैयार करने वाले हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने आटा ले लिया है और इसको हमने चाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, और इसको हम मिक्स करेंगे। और अभी इसमें भी हम नमक डालेंगे, तो देख सकते हैं हमने इसमें नमक और तेल डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे और इसमें हम पानी भी मिलाएंगे। जो देख सकते हैं हमने यहाँ पर आटा गूंथ लिया है और इसमें हमने थोड़ा सा ऊपर से तेल भी लगाया है, और इसको अब हम ढककर रख देंगे कपड़े से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आटा भी तैयार हो चुका है, और ये देखिए हमारा ये मिश्रण जो है वो भी, ये भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं, चलिए फिर। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा सूखा आटा भी ले लिया है, क्योंकि जब आटे को हम जब लोई बनाएंगे तो इसमें हम थोड़ा सा लपेटने के बाद फिर हम उसको बेल